एक लड़की को 500 किलोमीटर दूर घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई राजधानी एक्सप्रेस, जानिए क्या है पूरा मामला। भारतीय रेलवे के इतिहास में शायद ही इससे पहले ऐसा मौका आया हो जब सिर्फ एक यात्री के लिए रेलवे को राजधानी एक्सप्रेस चलानी पड़ी हो। दरअसल झारखंड में 3 दिन से टाना भगत आंदोलन कर रहे हैं और इस कारण कई ट्रेनें बीच रास्ते में ही फंसी हैं। रेलवे यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य तक भेज रहा है। ऐसे में डालचेनगंज में फंसी एक छात्रा जिद पर अड़ गई कि वह बस से नहीं जाएगी। इसके बाद रेलवे ने उसके लिए राजधानी एक्सप्रेस चलवाई और उसे दूसरे रूट से घर भेजा। जानकारी के मुताबिक DHU में पढ़ने वाली एक छात्रा अपने घर आने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से रांची के लिए नई दिल्ली रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में बैठी। ट्रेन टाना भक्तों के रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन के कारण डालचेनगंज में रोक दी गई। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब आंदोलन नहीं खत्म हुआ तो रेलवे ने फैसला लिया कि वह यात्रियों को बस से भेजेगा। सभी यात्रियों के लिए बस मंगवाई गई और उन्हें इससे रवाना किया गया, लेकिन छात्रा ने बस से जाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब उसने ट्रेन का टिकट लिया है तो वह बस से नहीं जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने छात्रा को काफी देर तक समझाया तो उसकी बात रेलवे मुख्यालय तक पहुंचाई गई। रेलवे अधिकारियों ने छात्रा को कार से रांची भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। वह जिद पर अड़ी रही कि राजधानी एक्सप्रेस से ही रांची जाएगी। काफी देर बाद तय हुआ कि छात्रा को राजधानी एक्सप्रेस से रांची भेजे। ट्रेन को डालचेनगंज से सीधे रांची आना था। डालचेनगंज से रांची की दूरी 308 किलोमीटर है, मगर ट्रेन को गया से गोमो व बोकारो होकर रांची रवाना करना पड़ा। इस तरह ट्रेन को 535 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। छात्रा की सुरक्षा के लिए RPF की कई महिला सिपाही तैनात की गई थी।